हेलो एवरीवन, टुडे योर होमवर्क इज ग्लोसरी। पहले आपको ग्लोसरी लिखनी है और इसकी हिंदी मीनिंग भी लिखनी है। ओवरकम, सक्सेड एंड डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। हिंदी अर्थ है इसका विजय पाना। अफ्रेड, फीलिंग फियर और एंजाइटी। फ्राइटेंड इसका मतलब है भयभीत। हैंड इन हैंड का मतलब है होल्डिंग ईच अदर हैंड्स, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। बिलीफ, टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू, करेक्ट और रियल, यानी विश्वास करना। पीस है ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वार और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली, यानी शांति। एक्टिविटी फर्स्ट, ए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री, करेज, विक्ट्री, पीस और ट्रूथ। आंसर है ट्रूथ। सेकेंड, व्हाट ए परेड, व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। ए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बी यूनाइटेडली, सी ए परेड, डी मेकिंग ए ट्रिप। आंसर है सी ए परेड। थर्ड है व्हाट डज डीप इन माय हार्ट मीन, व्हाट आई समथिंग होप, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई लाइक। आंसर है सी व्हाट आई थिंक। थैंक यू।